deep in the shadows, I know it's hard. गोवा में आप यहाँ क्यों नहीं आते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ न आने का क्या कारण है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोवा का हिडन बीच और दिखाने भी वाला हूँ। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों नहीं आते हो, क्योंकि ये है गोवा का, या फिर ये कहें ये है नॉर्थ गोवा का हिडन बीच, जो कि एक ज़बरदस्त लोकेशन में है, बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड विदेशी टूरिस्ट, स्पेशली रशियन टूरिस्ट का फेवरेट प्लेस है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। वो जो सामने आगे हिल दिख रही है, मैं वहाँ तक चले चलूँगा आपको और इसका अट्रैक्शन दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ विदेशी रशियन टूरिस्ट, आप लोग भी सर्च करते हो रशियन बीच इन गोवा तो बोल सकते हो ये एक रशियन बीच है, क्योंकि यहाँ पर रशियन टूरिस्ट आने का एक ज़बरदस्त कारण है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, और ये बीच बहुत ही लंबा है और बहुत ही ज़बरदस्त है, विदेशी लोग यहाँ पे चिल करते हैं और भारत के वीआईपी लोग यहाँ पे आके चिल करते हैं। तो आप भी यहाँ पर आके मौज मस्ती कर सकते हैं और गोवा ट्रिप का एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, ये बीच भी नॉर्थ गोवा में ही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट बीच इन नॉर्थ गोवा, या फिर ये बोल सकते हैं नॉर्थ गोवा बीचेज, नॉर्थ गोवा बेस्ट बीचेज, नॉर्थ गोवा फेवरेट प्लेस, नॉर्थ गोवा विजिटिंग प्लेसेज, नॉर्थ गोवा टूरिस्ट प्लेसेज। तो मैं ये लास्ट में आ गया हूं, जो हिल मैंने वहां से दिखाया था। अब यहां पर आने का मेन कारण यह है कि यह जो स्टैच्यू है, जो मूर्ति है शंकर जी की और एक टॉर्टाइस की, यह रशियन टूरिस्ट ने बनाया था 1989 में, इसीलिए रशियन टूरिस्ट यहां पर आते हैं इसे देखने के लिए। तो आप भी यहां पर आ सकते हैं और भारत के वीआईपी लोग यहां पर आते हैं। अगर स्टे की बात की जाए तो यहां पर साइड में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, और एक महत्वपूर्ण बात कि इस बीच का ओरिजिनल नाम है ओजरान बीच ऑफ गोवा, जो कि एक हिडन बीच है, या फिर ये कहें अनएक्सप्लोर्ड बीच है। और आगे कौन सा है, बागाटोर बीच। आप लोग बागाटोर बीच तक आते हो लेकिन ओजरान बीच को मिस कर देते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है।